Okay, so Rahul, let me congratulate you on your selection in very prestigious Nuclear Power Corporation of India Limited. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, Rahul, you are a civil engineer, or aap NPCIL mein aapki selection hui hai, and this is a great achievement. And I must also thank you for the time you spared for this interaction. And is interaction ka, I'm very sure the students will get benefited, because many students aspire to get into NPCIL. And second, I will also request you that you share your interview experience in detail, because NPCIL like BARC is totally interview based selection once you get interview call. So interview बहुत important होता है इसके लिए, और बच्चों को नहीं पता कि interview की gravity क्या है, और मेरे को लगता है student बहुत अच्छे तरीके से prepare होकर नहीं जाते तो interview तक पहुंचते हैं इतनी मेहनत के बाद, और interview में फिर वो अच्छा perform नहीं कर पाते. तो वो भी मैं आपसे request करूंगा कि आप detail में हमें बताएं उसके बारे में कि as a civil engineer किस तरह की तैयारी करनी चाहिए. पहले मैं स्टार्ट करूंगा राहुल आपसे, आपकी बैकग्राउंड से, जिसमें हम जानना चाहते हैं कि आप कहां से हैं इंडिया में, और आपने ग्रेजुएशन कब किया, और ग्रेजुएशन से लेके अब सिलेक्शन तक की जो जर्नी थी वो आपकी कैसी रही है. सर वेरी डिफिकल्ट है सर, स्टार्टिंग से लेकर अब तक जर्नी जो मेरी, क्योंकि 2019 में मैं बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में चौधरी ब्रह्म प्रकाश गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि अब एनएसयूटी में, पहले आईबीयू में था, अब एनएसयूटी में आ गया. कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, ईएस मास्टर ज्वाइन कर लिया था मैंने सिविल इंजीनियरिंग के लिए. तो सर 18 से लेकर 19 तक का जो सफर है सर बहुत अच्छा था, कोचिंग के दौरान काफी कॉन्सेप्ट सीखने को मिले. फिर उसके बाद 19 के बाद स्ट्रगल शुरू होता है. सर 19 में मेरा प्री निकलता है पहली बार ईएस का, इंजीनियरिंग सर्विसेज का. गेट में मेरी ऑल इंडिया रैंक 192 आती है. ठीक है, फिर उसके बाद ईएस का जब प्री निकलता है, फिर मैं मेंस के लिए अपीयर होता हूँ. तो एक्चुअली सर हम लोग डेप्थ में थे बहुत ज्यादा, तो लोग आते थे घर पे, बहुत कुछ सुना के जाते थे कर्जे को लेके कि दे दो. अच्छा. दे दो, हाँ यहाँ रहने नहीं देंगे, दिल्ली में नहीं रहने देंगे. आपको एज अ फैमिली आपके ऊपर काफी डेप्थ था? हाँ यस सर, एज अ फैमिली मेरे को काफी डेप्थ था. और मैंने कैसे सॉरी टू इंटरप्ट यू राहुल, आपके फादर साहब क्या करते हैं? सर मेरे पापा लेबर थे. ओके, और तो मेरी मम्मी, इनकम ज्यादा नहीं थी और फैमिली पे डेब्ट चल रहा था. सर इनकम थी ही नहीं, नेगेटिव थी. इनकम थी वो नहीं, तो मेरा भाई था, छोटा भाई रोहित ठाकुर. हाँ, रोहित ठाकुर है. हाँ, वो छोटी मोटी कोचिंग करके होम ट्यूशन करके पैसे कमाता था और मुझे बोलता था भैया आप करो पढ़ो. हाँ, तो उसका थोड़ा पॉजिटिव था जिसकी वजह से मेरे को हौसला मिलता था. कोचिंग मैंने की, अच्छे से पढ़ा, टेस्ट सीरीज भी ली थी मैंने काफी अच्छी, तो वहाँ पे रैंक भी मेरी अच्छी आती थी गेट में ईएस में. पर क्या हुआ कि मेंस के टाइम पे बहुत से लोग आगे घर पे थोड़ी धमकी वगैरह देने लगे थे, तो मेंटली डिस्टर्ब हो गया था मैं काफी ज्यादा. तो मेंस के दौरान मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लो था, तैयारी थी. ठीक है, 30 जून को मेरा मेंस का पेपर था 2019 में. तो मैं गया, पेपर दिया. पहले पेपर के टाइम क्वेश्चन पेपर का मुझे पता नहीं था कि पीछे चिपका होता है. इंजीनियरिंग सर्विस का जो क्वेश्चन पेपर है वो पीछे चिपका होता है. कोचिंग में क्या होता है कि वो हाथ में पकड़ाते हैं छोटा सा पेपर, तो इस वजह से मेरे को कंफ्यूजन हुआ. तो मैंने ध्यान दिया नहीं, और जो उनका वो जो उसमें आंसर शीट होती है जिसमें क्वेश्चंस होते हैं ऑलरेडी, क्योंकि क्यू कैब आ गया था उस समय. ठीक है, तो उसमें फिर मुझे प्रॉब्लम होता था कि क्वेश्चन पेपर तो मिला नहीं और मैं पूछ भी नहीं सकता, क्वेश्चन मेरे सामने है, तो टाइम मेरा मैनेज नहीं हो पाया. क्योंकि टेस्ट सीरीज में मेरे अच्छे मार्क्स आते थे, टॉप 30 में रहता था मैं सर, अब मेरे पास लिस्ट भी पड़ी हुई है. तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरा मेंस के बाद में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो फाइनल सिलेक्शन मेरा ईएस में नहीं हुआ. फिर उसके बाद मेरे को पीएसयू ज्वाइन करना नहीं था सर, इसलिए ज्वाइन नहीं करना था क्योंकि मेरा सपना था या तो इंजीनियरिंग सर्विसेज जाऊं या फैकल्टी के लेवल पे जाऊं. तो फिर मैंने क्या किया, ज्वाइन की कोचिंग इंस्टीट्यूट आईएएस मास्टर, वहां के डायरेक्टर कंचन ठाकुर सर हैं, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया मेरे कर्जे को लेके, उन्होंने तुरंत पैसे मुझे दिए. ज्वाइनिंग के टाइम ही कंटेंट डेवलपर मैंने ज्वाइन किया काम, तुरंत उन्होंने मुझे 60,000 के आसपास दिए, मैंने कर्जा वर्जा चुकाया अपना काफी सारा. फिर उसके बाद क्या हुआ सर कि मैंने फिर वहां पे काम किया 2 साल, कोविड आ गया. अब मैंने 2 साल जो किया सर, बिल्कुल ऐसा किया कि मैंने एग्जाम्स कोई भरे ही नहीं, ना ईएस 2020 भरा, ना गेट 2020 भरा, क्योंकि सर मुझे जाना इसी लाइन में था. तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इसी को रेगुलरली करूंगा अपने होलिस्टिकली पूरा, मतलब इसको करूंगा अच्छे से. तो वहां पे मैंने फ्लूइड मैकेनिक स्ट्रक्चर एनालिसिस मैं आपको बुक बता देता हूँ कौन कौन सी मैंने फॉलो की थी, जिससे मेरा बेस बढ़ा था, जहां से मुझे कॉन्फिडेंस आया था. तो वहां पे मेरा काम था स्ट्रक्चर एनालिसिस का, फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो और आरसीसी, ये 3-4 सब्जेक्ट थे मेरे पास. तो स्ट्रक्चर की मैंने सबसे पहले बुक फॉलो करी थी, वो थी आपकी जो फॉरेन ऑथर की बुक है. स्ट्रक्चर की काफी सारी बुकें हैं, तो फॉरेन ऑथर की बुकों में से मैं एक का नाम लेना चाहूँ, असलम कासिम अली.
ऐसे ऐसे बुके थी वहाँ पे, क्योंकि लाइब्रेरी बनी हुई है सर वहाँ पे, कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपना R&D डिपार्टमेंट होता है, तो वहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर एनालिसिस की काफी सारी बुक थी, बहुत अलग अलग नाम की, फाइनाइट एलिमेंट मेथड, मैट्रिक्स मेथड की अलग अलग बुक्स हैं काफी सारी, ठीक है सर। तो वहां से मैंने स्ट्रक्चर पूरा तैयार किया, बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक, मतलब मैं उस समय बीटेक में था, लेकिन मेरा कोर्स करिकुलम जो था रिसर्च वाला वो था एमटेक वाला था, तो वहां पे मुझे स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला। ट्रसेस के लिए, जैसे ट्रसेस में सर ILD वाला आपको पता होगा, सिविल इंजीनियरिंग में होता है, काफी मुश्किल होता है, तो वहां पे भी मैंने काफी रिसर्च की, वहां पे मुझे कंचन सर ने भी गाइड किया। उसके बाद फ्लूड मैकेनिक्स, फ्लूड मैकेनिक्स में मैंने सेंजल और सिम्बाला वाली जो बुक है, और FM वाइड, फ्रैंकन वाइड जो है, और मुनसन, ठीक है सर, ये तीन बुक, और चौथी बुक थी ऐसी फॉरेन ऑथर की, तीन चार बुक थी, मतलब टोटल वहां पे मिला के 7 बुक्स थी मेरे पास, ठीक है सर। तो 7 बुक्स में से मैंने ऑलमोस्ट सारे थियरी कंटेंट किए थे, क्वेश्चंस हम लोग बना ही रहे थे टेस्ट सीरीज के लिए, तो फ्लूड मैकेनिक मेरा वहां से कवर हुआ, काफी अच्छे से डाउट्स थे तो कंचन सर से मेरे क्लियर हो जाते थे। तो उसके बाद फिर आ जाती है OCF की वेंटी चाव, आपने सुना होगा सर, ओपन चैनल होती, और RCC की जो थी के सुब्रमण्यम, तो वो मेरे घनश्याम सर ने मुझे रिकमेंड किया था कि सुब्रमण्यम तुम लोग फॉलो करो और तुम हो जाएगा। तो सर मैंने BRC 2021 में एग्जाम दिया था, और BRC मेरा रिटर्न अच्छा हुआ था, मेरे कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स थे, मतलब 116 के मार्क्स थे, और समय 106 गई थी कट ऑफ, ठीक है सर। तो वहां पे मैं इंटरव्यू देने गया 21 में BRC में, वहां पे मैं 1000 में से मेरे लगभग 650 के आसपास आए थे, और कट ऑफ गई थी 700 के आसपास, तो मेरा हुआ नहीं उसमें। RTI डाल के पता लगता है कट ऑफ BRC का, ऐसे वो नंबर शो नहीं होते हैं BRC के। फिर 2022 में दिया BRC का, फिर रिटर्न निकाला, इस बार 150 नंबर आए, फिर दिया BRC का इंटरव्यू, फिर मेरा नहीं निकला, वही 10 मार्क्स का। अच्छा, तो मेरी तैयारी थी सर अच्छे से, मतलब बहुत अच्छी थी तैयारी, लेकिन मेरा हो ही नहीं रहा था, और मुझे JEE का जूनियर इंजीनियर में जाना नहीं था, असिस्टेंट इंजीनियर जो स्टेट का होता है मुझे जाना नहीं था, इसलिए मैंने फॉर्म ही नहीं भरे सर। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि बेवकूफ है, इतना अच्छा आता है कि नहीं, एक्चुअली कहना सर मेरे जो मेंटर थे ना, उन्होंने मेरे को ये कहा कि जॉब करनी है या तो ग्रुप ए ऑफिसर की जॉब करनी है, या तो करनी ही नहीं है, या तो मैं खाना खर्चा तो चल ही रहा है तुम्हारा, 50,000 में तुम्हें दे रहा हूँ कोचिंग में, तो इससे तुम्हारा गुजारा हो ही रहा है, तुम इस 50,000 के लिए तुम JEE ज्वाइन करोगे, सब कुछ अपना करियर खराब करो, इसलिए मैंने सर भरे ही नहीं फॉर्म। तो एस्पिरेंट को मेरा ये कहना है सर, सबसे पहला जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ, वो देना चाहता हूँ, या डिसाइड कर लो कि तुम्हें करना क्या है पहले, 50 फॉर्म भर के कोई फायदा नहीं है, बैकअप प्लान करके भी कोई फायदा नहीं है। सर मेरा नीटी मुंबई का भी इंटरव्यू हुआ था, आपसे मैंने गाइडेंस ली थी, आपको याद होगा, तो हाँ, तो उसमें मैंने गाइडेंस ली, और मेरे वहां पे सर रैंक जो बनाई उन्होंने 700 के करीब बनाई जनरल में। अच्छा। आप देख लो पता नहीं सर तो इस वजह से क्या, मेरा स्कोर सर गेट में 754 के आसपास था इस बार, उस समय तो मैंने दिया था, लेकिन गेट का सर मेरा पर्पस नहीं था इस बार देने का, तो मेरा पर्पस था इंजीनियरिंग सर्विस का। तो गेट के पेपर से कुछ एक हफ्ते पहले मेरे पास कॉल आती है, मतलब कॉल करता हूँ मैं सर को, सर पेपर है ये, वो इंजीनियरिंग सर्विस का पेपर है ये, अब कुछ गाइडेंस हो बता दो। तो फिर उन्होंने बोला कि देखो इंजीनियरिंग सर्विस में कुछ बचा नहीं है, ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, तुम क्या करो एक गवर्नमेंट जॉब ले लो, जिससे कि तुम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर सको। फिर उसका डिसाइड किया कि मेरे को ES देना ही नहीं है, तो मैंने सर ES दिया ही नहीं, मतलब मैं गया ही नहीं देने के लिए। तो गेट का दिया था, तो गेट को तो जानना जनरली बैठना ही था, अब भर दिया था फॉर्म, उसके बाद गेट में आई रैंक, NPCL में शॉर्टलिस्ट हुआ, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू के टाइम सर दिक्कत ये हो गई कि वहां पे सर्टिफिकेट का इशू आ गया था मेरे पास, वो मुझे इंटरव्यू देने ही नहीं दे रहे थे NPCL में, बुलंदशहर में मेरा पड़ा था नरोरा पावर प्लांट में, वो लोग मुझे इंटरव्यू देने नहीं दे रहे सर। मैंने उनकी इतनी रिक्वेस्ट की कि मेरा डॉक्यूमेंट मैं ले आऊंगा, अभी मेरे पास नहीं है, स्कूल से इशू कराना पड़ेगा ये वो करके, कह रहे नहीं नहीं यहाँ पे ये पॉलिसी है, ये प्रोटोकॉल्स है, हम लोग ये फॉलो करते हैं। तो वहाँ इतना डिमोटिवेट हो गया सर मैं, एक तो इतनी प्रैक्टिस करके आया मैं, आप समझ लो सर कि BRC में जो जो गलतियां हुई थी मुझसे उसको मैंने रेक्टिफाई की। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि विंड लोड का जो कोड है IS 875 Part 3, उसमें रिवाइज्ड हुआ है सर वो, ठीक है, तो उसमें डिजाइन विंड वेलोसिटी जो है उसमें 3 कोफिशिएंट हम लोग यूज करते हैं, K1 K2 K3 K4, तो पहले हम 3 करते थे, अब चौथा भी कर रहे हैं, तो चौथा जो K4 था मुझे पता नहीं था, तो उन्होंने मुझसे उसी के बारे में पूछ लिया BRC 2022 में। अब मैंने कहा सर RCC तो पूछ लो कुछ कि इस बार मैं RCC करके आया हूँ, क्योंकि पिछले जो पैनल में बैठे थे ना मेरे, उसी के लोग मेरे यहाँ पे थे दोबारा 2022 में, तो बोला कि RCC तुमसे पूछेंगे नहीं, तुम्हें सब आता है क्योंकि तुम्हें सारे इंटरव्यू क्वेश्चन पता है, सारे सब्जेक्ट पता है। तो सर सोम में ऐसा हुआ कि सोम का एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, एक बीम था उसके ऊपर ऐसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम था इस तरीके से, तो उन्होंने बताया कि अब वो साइक्लिक मतलब साइन कर्व नहीं था, वो कर्व था पैराबोलिक कर्व था, बट इस तरह से था,
ठीक है, तो उन्होंने बोला कि इसका बनाओ लोडिंग डायग्राम। अब मेरे को याद था क्योंकि मैंने जस्ट एक दिन पहले ही डिस्कशन हुआ था, क्योंकि वो 2020 में पूछा गया था एक बच्चे से जो कि मेरे ही बैच का था, अखंड प्रजापति नाम था उसका, उसकी बीआरसी में सिलेक्शन हो गया था 20 में। तो वो वाला मैंने डायरेक्ट बना दिया, कह रहा उन्होंने बोला कि अरे ये तो क्वेश्चन लीक हो गए बीआरसी की, ये कैसे हो गया? बोला ये तो लीक हो गया, क्या बात है? मैंने कहा सर लीक भी कुछ नहीं हुआ है, आपके क्वेश्चन ही लिमिटेड है, मतलब जो आपने काफी सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं और मैंने इतनी सारी प्रैक्टिस कर ली है सर, क्योंकि पिछली बार मेरा नहीं हुआ था तो इस बार करके आऊंगा ना सर मैं। तो फिर लगभग मान के चलो सर आप, मैं दो क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पाया था, एक तो यही विंड लोड वाला, क्योंकि विंड लोड में सर ना बहुत ज्यादा लंबा खींच लिया उन्होंने, बोला कि हम पूछ जो तुम्हें नहीं आता वो पूछेंगे हम, डायरेक्ट उन्होंने बोला कि तुम्हें आरसीसी भी आता है, सोम भी आता है, ठीक है सर। तो आरसीसी के एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि क्यूब पे कंप्रेसिव अगर स्ट्रेंथ लगा, मतलब ये स्ट्रेस लगाते हैं तो फेलियर बताओ कैसा होगा, मतलब अगर क्यूब रखा है कंक्रीट का तो उस पर ऐसे लोड लगाया कंप्रेसिव तो फेलियर का कैसा पैटर्न होगा। तो मैंने झट से बना दिया क्योंकि आरसीसी सुब्रमण्यम सर मैंने पूरी चार्ट के रखी हुई थी। तो वो समझ गए कि ये लड़का जो है पूरा याद वाद करके समझ के आया है, तो उन्होंने आरसीसी पूछा ही नहीं उस क्वेश्चन के बाद। जब मैं विंड लोड में सर कंफ्यूज हुआ ना थोड़ा सा, जब वो के फोर वाला मुझे याद नहीं आया, साइक्लोनिक इफेक्ट लेते हैं तो वो फिर उसी में घुसते चले गए, उनको पता लग गया कि अभी ये इसको नहीं आ रहा। हाँ ये उसी में चले गए और मैंने रिक्वेस्ट की कि ऐसा नहीं है, मैंने उनको बोला सर देखो सिलेक्शन अलग चीज है, आप मुझसे बस मतलब कम से कम आरसीसी पूछो ताकि मैं यहाँ से जाऊँ तो खुश होकर जाऊँ। अच्छा ये बीआरसी की बात बता रहे हैं आप ना? हाँ ये बीआरसी की बात। तो बीआरएस में तो पांच सब्जेक्ट पूछते हैं वो आपसे। हाँ तो उसमें आरसीसी भी था? हाँ मैंने नहीं, उन्होंने पूछा मुझसे फेवरेट सब्जेक्ट बताओ। हाँ। तो सबसे पहले मैंने आरसीसी बोला, आरसीसी सबसे पहले बोला। मैंने कहा सर आरसीसी, जबकि मेरा स्ट्रॉन्ग फ्लूइड मैकेनिक्स है, स्ट्रक्चर है जो मैंने काम किया हुआ कंटेंट का, तो सबसे पहले आरसीसी बोला, फिर उसके बाद मैंने स्ट्रक्चर बोला, फिर उसके बाद स्टील बोला, फिर सोम बोला और फिर फ्लूइड मैकेनिक्स बोला और फिर सॉइल, ठीक है सर। तो आरसीसी में फिर उन्होंने सवाल पूछते ही बोला नहीं नहीं पूछेंगे, फिर विंड लोड में पूछा फंस गया, तो उसी में मेरा कम से कम आधा घंटा मेरा उसमें चला है सर। और उस विंड लोड के चक्कर में सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने बताए और मुझे टाइम ही नहीं लगा। उन्होंने मतलब ये पूछा कि अपर यील्ड पॉइंट ये जो है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, जैसे आपने मेटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स का बनाया ना सर स्ट्रेस स्ट्रेन का, तो उसमें से आते हैं तो एक अपर यील्ड पॉइंट आता है फिर लोअर यील्ड पॉइंट आता है, तो अपर यील्ड पॉइंट का क्या सिग्निफिकेंस है, ये मतलब इसको कंसीडर क्यों नहीं कर रहे, ये ऐसे सवाल थे जो कि मतलब मैंने बता दिए थे कि ये क्यों बनता है। बेसिकली डायनेमिक लोडिंग में आपको अपर यील्ड पॉइंट देखने को मिलता है, बाकी रेजिडुअल्स जैसे हम माइल्ड स्ट्रेस कर्व बनाते हैं सर, तो उसमें होता क्या है ना कि आपका समझ लो रेजिडुअल स्ट्रेसेस की वजह से अपर यील्ड पॉइंट दिखता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी क्योंकि जब आप रोलिंग सेक्शन मैन्युफैक्चर करते हो तो वहां पे कुछ रेजिडुअल स्ट्रेसेस रहते हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो उन रेजिडुअल स्ट्रेसेस की वजह से वो अपर यील्ड पॉइंट दिखता नहीं, सीधा प्लास्टिक स्टार्ट हो जाता है यील्ड पॉइंट से। तो ऐसी सारी चीजें डिस्कशन चली इसके रिलेटेड क्वेश्चन की, और बाकी सॉइल में उन्होंने लिक्विफैक्शन पूछा क्या होता है, लिक्विफैक्शन बता दिया था मैंने, और सैंड बॉइलिंग क्या होता है, क्या इसके लिए हेड डिफरेंस जरूरी होता है सैंड बॉइलिंग के लिए, वो सारी चीजें बताई। फिर उन्होंने पूछा क्या बोलते हैं इसका स्टील का कनेक्शन का, कनेक्शन में जैसे कॉलम है और बीम है, कॉलम का फ्लैंज और बीम को जोड़ना है, तो पहले बताओ शियर कनेक्शन मतलब इसका शियर कनेक्शन कैसे बनेगा, तो मैंने बता दिया कि वेब को जोड़ देंगे, क्योंकि सर जो वेब है आई सेक्शन का वो मेजर शियर करता है, तो वेब को जोड़ देंगे शियर, वो शियर रजिस्ट कर लेगा, बाकी मूवमेंट के लिए हम लोग फ्लैंज को भी जोड़ देंगे सीट एंगल और क्लीट एंगल से, ठीक है सर। उनका डिजाइन पूछा और उस समय सर मुझे वो डिजाइन आ नहीं रहा था, बात यह है तो क्योंकि डिजाइन पढ़ाते नहीं ना सर, तो वो डिजाइन ही मैंने कवर किया एनपीसीआईएल के लिए, जो जो मेरी गलती हुई सर वहां पे वो मैंने वहां की। और उल्टा क्या हुआ सर कि एनपीसीआईएल में मुझे इंटरव्यू देने नहीं दिया, अब मेरा कॉन्फिडेंस डाउन, अब मैं वहां से वापस आ रहा था कि अब तो इंटरव्यू होगा नहीं, डॉक्यूमेंट जमा नहीं हुए है ना, तो उनका प्रोटोकॉल था, मैं वापस आ रहा था, मेरे भाई ने कॉल किया रोहित ठाकुर ने, तो उन्होंने मेरे को बोला कि भैया आप वहीं रहो मैं एसडीएम के पास जा रहा हूँ, ऐसे कैसे कर सकते हैं वो लोग, एक डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से जबकि इशू हो जाएगा, अंडरटेकिंग ले लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। तो वो एसडीएम के पास गया, फिर वहां से गवर्नमेंट के कुछ नोटिस वोटिस दिखाए, फिर मैंने उनको उनके पास बैठा रहा सर देखो ये चीजें लिखी हैं, ऐसे मना नहीं कर सकते आप, ऐसे करके दिखाए उनको मैंने, तब जाके उन्होंने दो तीन घंटे के बाद मुझे बुलाया, बोला कि ठीक है अंडरटेकिंग लिखो, ज्वाइनिंग के टाइम पे तुम दे देना, ठीक है। अब मुझे पता था सर सिलेक्शन तो होना नहीं है, तो ज्वाइनिंग तो आएगी, दूर की बात है, ये एनपीसीएल की बात बता रहे हैं। हाँ ये एनपीसीएल पहुंच गया, ठीक है सर। तो एनपीसीएल में क्योंकि बार्क के जितने भी मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस थे ना सर, जो भी मेरी कमी थी वो मैंने पूरी करके एनपीसीएल में देने गया, क्योंकि वहां भी इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन होता है, ठीक है सर। तो वहां पे इंटरव्यू जब देने नहीं दिया तो फिर मैंने दिखाया, तो उन्होंने फिर अलाउ किया मुझे अंडरटेकिंग के साथ, और मेरा मतलब ना मोटिवेशन बचा था अंदर, ना डिमोटिवेशन बचा था, कुछ नहीं बचा था सर अंदर। आपको ये लग रहा था कि अब तो सिलेक्शन होना ही नहीं है, अब कुछ होना नहीं है, मैं मतलब मैं हूँ यहाँ पे, लेकिन ठीक है भाई ने बोल दिया आगे लेके चले जाता हूँ।
फिर मैं गया अंदर, अब उनमें क्या है ना सर, ऐसे टेबल थी मतलब इस तरीके से, वो सबसे दूर थे बहुत, मेरे को तेज बोलना पड़ रहा था वहाँ, मतलब क्या बोलते हैं वो जो होता है ना व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड मार्क है, तो बहुत सारे पेन रखे थे, ब्लैक रेड ऐसे के बहुत सारे पेन रखे हुए थे। उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया कि बोला आप अपना एक्सपीरियंस बताओ। मैंने कहा सर एक्सपीरियंस तो वही कोचिंग का है, तो फिर कोचिंग रिलेटेड पूछा कि अच्छा बताओ कोचिंग में क्या करते थे तुम। फिर बताया वहाँ पे कि मैंने कंटेंट डेवलप किया, मेरा टेलीग्राम पे ग्रुप है डाउट मास्टर, 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट को मैं मेंटर कर चुका हूँ, ऐसा करके मैंने बताया। तो बोला ठीक है, फिर उन्होंने स्टार्ट किया अर्थक्वेक से। उन्होंने बोला अर्थक्वेक में क्या पढ़ा है, मैंने कहा हाँ सर पढ़ा है। बोला अर्थक्वेक में बताओ तुमने वो पढ़ा है कैसे शेयर कैलकुलेट करते हैं, बेस शेयर कैलकुलेशन होता है सर उसमें, तो बोला बेस शेयर कैलकुलेट करके बताओ पूरा प्रोसीजर। तो सर वो ऐसा था कि मैं करके ही गया था, क्योंकि आरसीसी का एक चीज भी नहीं छोड़ी थी मैंने आपको बताया, तो मैंने तुरंत तुरंत स्टेप सारे लिखना चालू कर दिए। 2 मिनट लगे सर मुझे पूरा एक्सप्लेन करने, मैंने अच्छे से सारे कोडल प्रोविजन लिख लिख के सब बता दिए, मुझे याद ही था मतलब, तो एक एक डेटा याद था, मतलब ऐसा समझ लो 0.075 H^0.07 ऐसे ऐसे डेटा मुझे याद, जो कोड के याद करते नहीं जनरली बच्चे, वो हो गया था मतलब समय के साथ साथ। फिर उन्होंने पूछा अच्छा बताओ, फिर सोम का पूछा, उन्होंने सोम पूछा कंटिन्यूस बीम है और लास्ट पे लास्ट वाला स्पैन जो है उस पे UDL है, और जो इधर वाला लास्ट स्पैन है मतलब फर्स्ट स्पैन जो है उस पे इंटरनल हिंज है, बीच का स्पैन में कुछ नहीं है, थर्ड स्पैन में आपका UDL है, तो बताओ उसका डिफ्लेक्टेड शेप क्या बनेगा। अब मेरे मन में था कि यार डिफ्लेक्टेड शेप की पूछ रहे हैं इतना सिंपल, तो मैंने तुरंत बना के कर दिया, फिर शियर फोर्स डायग्राम बताओ, बता दिया। फिर वो आ गए उस चीज पे, फिर वो भी विंड लोड वाले पे आ गए, अच्छा बताओ विंड लोड डिजाइन विंड वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिजाइन में कैसे लोड विंड लोड को इनकाउंटर करते हैं बिल्डिंग पे, बिल्डिंग्स का जब कैलकुलेशन करते हैं सर लोड का, तो उसमें विंड लोड भी कैलकुलेट करते हैं हम लोग, 10 मीटर की हाइट से ज्यादा बड़ी बिल्डिंग हो गया सर तो उसमें हम लोग विंड लोड कंसिडर करते हैं विंड इफेक्ट। तो बोला कैसे करोगे कैलकुलेट, तो वो सारा बता दिया सर, मैंने पढ़ी लिया था BRC में, मेरी कमी थी वो BRC में सर, मेरी वो दिक्कत थी, तो मैंने उस वो उन्होंने वही पूछा और मेरे को पूरा याद था, तो वो इम्प्रेस हुए, उन्होंने बोला कि यार इस लड़के को तो पूरा पूरा याद है, आज तक मैंने अभी तक कोई स्टूडेंट आया नहीं जिसको याद है ये। फिर उसके बाद सर उन्होंने मुझसे पूछा RCC का पूछा, उन्होंने मुझसे RCC में पूछा लॉन्ग कॉलम डिजाइन, जो कि कोई नहीं पूछता लॉन्ग कॉलम डिजाइन पूछा, वो भी LSM से, लिमिट स्टेट मेथड से RCC में, जबकि कहीं किसी कोचिंग में नहीं होता सर। अब वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने क्या बोलते हैं सुब्रमण्यम पढ़ ली थी, नहीं तो फिर गया ही था ये भी। तो मुझे वो याद आया, पूरा प्रोसीजर याद था बिल्कुल करेक्ट, सारी चीजें मैंने लिख दी LSM से, सर ऐसे ऐसे करते हैं, एडिशनल मूवमेंट इफेक्ट लेते हैं, सारी चीजें बता दी मैंने, ठीक है। तो फिर उन्होंने स्टील का फिर चालू कर दिया, बोला मान लो कि जो सेक्शन है ठीक है कॉलम का आई सेक्शन है, और वो है सिलेंडर रीजन में फॉल कर रहा है वो सेक्शन, मतलब कि ऐसा ना सर प्लास्टिक कॉम्पैक्ट सिलेंडर वो कॉलम में आपका कर रहा है, मतलब ये पहले ही बकल हो जाता है यील्डिंग से, पहले ही बकल हो जाता है सिलेंडर कॉलम। तो उन्होंने पूछा कि बताओ इसमें डिजाइन लोड कैसे निकालेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह ना, पिछला इंटरव्यू जो था NPCIL का, मैंने कोरा पे क्या किया था, जितने भी कोरा पे क्वेश्चन पूछे थे ना सर, उन सब क्वेश्चनों को लिख लिया था सारे, जितने भी बच्चों को पूछे थे, तो वो क्वेश्चन के सबके आंसर मैंने लिख लिया था, कि मान लो मेरा नहीं हुआ तो कम से कम मैं अपने स्टूडेंट को तो मेंटर कर पाऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं क्या नहीं, तो मैं ये पर्पस से करता था सारी चीजें। तो कुछ दिक्कत सबसे अच्छी चीज क्या हुई कि उसी से पूछ लिया मुझसे वो क्वेश्चन, उसमें पूछा हुआ है किसी से ठीक है, और बस शेल्टर डिजाइन पूछा कि बस शेल्टर कैसे डिजाइन करोगे, फिर मैं पूछा अच्छा ये डोम स्ट्रक्चर जो है ये हम लोग ऐसा क्यों बनाते हैं ठीक है सर, क्योंकि आइडियल स्ट्रक्चर तो सर स्फेरिकल होता है ना, क्योंकि उसमें हाँ तो पर वो हम दे नहीं पाते, तो हम सिलेंड्रिकल बना के ऊपर डोम टाइप दे देते हैं, तो इसका पूछा क्या क्या कैसे है। बाकी बोला कि मान लो कि यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया ठीक है, तो फिर क्या करोगे, मैंने कहा सर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन हम लोग करते हैं सिविल में, तो वो करेंगे, उसमें दो एनालिसिस बताए स्टैटिक और डायनेमिक एनालिसिस, डायनेमिक एनालिसिस में हम लोग रिस्पॉन्स देखते हैं बिल्डिंग का, 5Y कैलकुलेट करते हैं, तो सारी चीजें मैंने बता दी जो कि मेरे डोमेन में थी, और मैंने पिछले इंटरव्यू से BRC के 2 साल वाले इंटरव्यू से और NPCIL के इंटरव्यू से वो चीजें मैंने मतलब करके पूरा बताया उनको, तो वो लोग काफी इम्प्रेस थे। तो उन्होंने बोला ठीक है, फिर बोला कि ज्वाइन करोगे आप, मैंने कहा सर ये नौबत ही नहीं आई अभी तक। तो ये क्या क्वेश्चन हुआ बोल सर, नहीं नहीं पूछते ना सर वो कि तुम्हारा हो गया तुम ज्वाइन करोगे, तुमको लग रहा होगा कि होता है लड़का जो ज्वाइन ना करे, हाँ कोचिंग खोल ले कुछ कर ले ऐसा कर ले, पहले ही मैं लिख दिया था ना अपने उसमें एक्सपीरियंस वाले में डॉक्यूमेंट में, उनको लेवल भी तुम्हारा ऐसा लगा होगा कि नहीं इसका लेवल तो अच्छा है बच्चे का, हाँ तो ये पता नहीं क्या करेगा, टैग ले लेगा यहाँ से साइंटिफिक ऑफिसर का और जाके कोचिंग खोल लेगा। अब सर उनको क्या पता कि अंदर दर्द क्या है,
बड़ी मुश्किल से इंटरव्यू हुआ है, मेरे को तो निकाल दिया था आप लोगों ने। हाँ मतलब डॉक्यूमेंट ही सबमिट नहीं होने दिया था सर, सोचो। तो किस्मत, मतलब मैं कहूंगा सर कि वो कहीं ना कहीं आपका लक भी है थोड़ा सा, क्योंकि जब इंटरव्यू होगा तभी तो सर होता ना। अब इंटरव्यू नहीं होता मान के चलो तो सब बेकार ही रहता, क्या करता क्या नहीं करता। वो मेरे भाई आप तो एक पॉइंट पे निकल गए थे कि अब नहीं हो पाएगा। हाँ बट वो किस्मत है जो वापिस लाई और उसके बाद आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा गया। हाँ क्योंकि सर नॉलेज मेरे को थी। हाँ सर नॉलेज थी मेरे पास, बस वो मौका और वो समय जो इम्पैक्ट था ना वो बढ़ जब था। जब टाइम आता है ना, राहुल बोलते हैं ना किस्मत से ज्यादा वो समय से पहले नहीं मिलता। यस सर। तो वो समय जब तक नहीं आया है, और जब आया है समय तो चाहे आपको निकाल ही दें। पावर कोई ऐसा फोर्स भी होगा, जैसे आपके ब्रदर ने फिर वो हिम्मत दिखाई कि नहीं सर मैं जा रहा हूँ, एसडीएम ऑफिस जा रहा हूँ एंड ऑल। बताओ सुबह सर, बता आपको 7 बजे से सेक्टर 10 द्वारका में हाईकोर्ट है, वहां पे जाके लाइन लगा के आया प्रॉपर। 7 बजे से बैठा हुआ है, सुबह होगी भैया 10 बजे वहां पर इंटरव्यू चालू होगा, ये वो प्रॉपर गया अंदर, बातचीत करी सर ऐसा ऐसा ऐसा, तब जाके मेरा काम हुआ। मतलब मैं ये कहूंगा सर लक तो है ही, लेकिन सपोर्ट जो है ना वो सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि सर कर्जा तो था ही मेरे पे, और रिश्तेदार भी जो थे सर यही बोलते थे कि तुम्हारा लड़का क्या करेगा, इतना कर्जा कर्जा कर लिया है, कुछ नहीं कर पाएगा, बर्बाद कर दिया तुमने बेटे को, ऐसे करके बोलते थे पापा लोग। लेकिन सर मेरे अंदर भी हिम्मत थी कि नहीं, अगर मेरे पे 60 लाख या 1 करोड़ का कर्जा है मान के चलो, तो भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं इससे ज्यादा कमाऊंगा, है कि नहीं सर। तो मेरा यही था कि इतना तो मैं कमा लूंगा, एक बार बस मुझे ज्वाइनिंग मिले कहीं पे भी, उसके बाद मेरे बहुत सारे सेमिनार ये वो करके मैं मतलब कर लूंगा इतना, मुझे उसका टेंशन नहीं है, स्टूडेंट का बेस भी है मेरे पास। तो भाई ने जो हिम्मत दी ना सर मुझे, क्या बोलते हैं बीटेक के दौरान, वो मुझे लगता है किसी ने, मतलब मैं सबको बोलूंगा जितने भी स्टूडेंट हैं, तो हमेशा अपने भाई के साथ कॉपरेट करें, भाई के साथ अपने रिश्तेदार को भूल जाएं, अपना जो भाई है अगर तुम्हारा है भाई तो सपोर्ट करें, बाकी पेरेंट्स से जो है हमेशा कांटेक्ट बना कर रखें। होता है ना सर हम डिप्रेशन में दोस्त की तरह भागते हैं, इधर भागते हैं उधर भागते हैं, वो लोग काम नहीं आते सर एक्चुअली, क्या है ना टाइम पे फिर वो लोग काम। मान लो सर सुबह 7 बजे कौन जाएगा सेक्टर 10 बार का बताओ, कोई तो जाएगा नहीं, दोस्त तो जाएगा नहीं। तो आप मान के चलो ये जो सपोर्ट है ये बहुत जरूरी होता है, चाहे सिलेक्शन हो या ना, यही सपोर्ट आपको आगे बनाएगा। क्योंकि सर सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होता तो तब भी तो चलाना ही है ना सर चीजें, जिंदगी तो बढ़ानी है। तो ये सपोर्ट मिला, बाकी सर ने भी मुझे सपोर्ट किया काफी ज्यादा उस समय पे, और बाकी जो 2 साल था 2020-21 वाला जो मैंने कंटेनर काम किया वहां से सर मैं बहुत कुछ सीखा। मतलब आप मान के चलो जितनी मेरे पास नॉलेज है सर वो वहीं से है, क्योंकि मेरे को क्या था ना सर बोलते थे एक चीज कि तुम्हारे मुंह से एक ही आवाज, मतलब जो तुम बोलते हो वो इतना ऑथेंटिक वेरीफाइड होना चाहिए कि सामने वाला उसमें गलती ना निकाल पाए। ठीक है, तो मैंने सब बोलना ही छोड़ दिया क्योंकि मुझे आता ही नहीं था। तो मैं टेक्निकल के बारे में कुछ बोलता है जब तक मुझे पता ना हो। तो वहां से जो चीज है ना सर, मैं स्टूडेंट को यही बोलूंगा कि तुम अगर सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो तुम्हारे पास जो कंटेंट है अंदर जो तुमने पढ़ा है वो इतना वेरीफाइड होना चाहिए, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, ठीक है सर, वो इतना वेरीफाइड होना चाहिए कि तुम्हें भी कॉन्फिडेंस आए कि हाँ ये मेरे पास ऑथेंटिक सोर्स से मैंने पढ़ा है और ऑथेंटिसिटी है। आप सोचो सर मैकेनिकल के स्टूडेंट को फ्लूइड मैकेनिक्स में वहां जाके पढ़ाया हूँ एक दिन पहले, एनपीसीएल के, ये एनपीसीएल करो बीआरसी के पहले, बीआरसी के टाइम पे क्या होता है मैकेनिकल और सिविल का एक साथ पढ़ा था कुछ ब्रांचेस का, तो मैकेनिकल वाला जो था वो मेरे साथ ही रहने लग गया था, ठीक है, मयूर नाम है इसका। तो आप मान के चलो उसको मैंने फ्रूट बताया तो वो कह रहा है तेरा तो हो जाएगा, पर देखो सर किस्मत थी वहां नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हुआ एनपीसीएल में, जो कि ज्यादा अच्छा है क्योंकि बीआरसी जो है ना सर उसकी ब्रांडिंग ज्यादा है, एक्चुअल का जो काम है ना सर वो एनपीसीएल में, एनपीसीएल में बहुत काम है। हाँ एनपीसीएल में जो काम पावर प्लांट है ना, वो इंडिया को रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, और पावर प्लांट वो न्यूक्लियर पावर प्लांट एक अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि सर कोयला वोयला सब तो सबकी लिमिटेशन है, अब न्यूक्लियर एनर्जी का क्या है थोड़ा सा एनवायरमेंटल फ्रेंडली है कि नहीं सर। तो ये अच्छी जगह भी हुआ सर, और देखो कितनी डिफिकल्टी के बाद हुआ, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे मिल गया, है ना, होता है ना कुछ कुछ लोग की थर्ड ईयर में निकलते हैं थोड़ी तैयारी करते हैं और सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए और बस थोड़ा सा मतलब आगे बढ़ गए। तो ऐसा मेरे साथ एक भी बार नहीं हुआ सर, नेटिव डिफिकल्टी के बाद मिला, काफी एफर्ट के बाद मिला। तो इसलिए सर मेरे अंदर ऑथेंटिसिटी है ना सर, इसलिए मैं अगर किसी को गाइड करूंगा तो मैं पक्का गाइड करूंगा ना सर, है कि नहीं। तो सर मैं यही कहूंगा आपका भी सपोर्ट था, मेरा बहुत सपोर्ट था आपका, क्योंकि जब नीटी मुंबई के टाइम पे मेरे को इंट्रोडक्शन देना नहीं आ रहा था सर, आप सोचो मैं बोलता था, मेरे को उन्होंने बोला भी था इंट्रोडक्शन देने के लिए, तो मैं बोल रहा माई सेल्फ राहुल ठाकुर, आई पास बीटेक फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग, माई फादर इज लेबर, बस उसके बाद मैं चुप हो गया। मैं कहा सर उसके बाद मुझे ऐसे कर सर, बिल्कुल ऐसे ही मेरा बॉडी एक्सप्रेशन सर उसके आगे मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने फिर जब इंटरव्यू स्टार्ट किया ना तब पता लगा उनको कि हाँ इसको शायद हो सकता है। हाँ लेकिन नीटी मुंबई का जो एक्सपीरियंस था सर मेरा, जो आपने सिखाया था कि ये पूछेंगे ऐसे करके पूछ सकते हैं वो लोग,
अब उन्होंने सिविल से रिलेटेड में से सारी चीजें पूछी नेटिव मुंबई में, और वहां मैंने बताई भी मेरा इंटरव्यू टाइम जो था सर 16 मिनट चला था नेटिव मुंबई में, और अच्छा गया था। जबकि उन्होंने इंग्लिश का इशू वहां भी था, तो उन्होंने कहा भाई तुम इंग्लिश तुम्हें नहीं आती, तुम कैसे करोगे मैनेजमेंट, तो कम्युनिकेशन तुम्हारा नहीं है तो कैसे करोगे। मैंने कहा सर वो सीख जाऊंगा, मुझे जरूरत नहीं पड़ी सिविल इंजीनियरिंग में, नहीं तो मैं सीख लेता, मुझे जरूरत नहीं पड़ी आज तक इंग्लिश की इतनी ज्यादा, लिख लेता हूँ कंटेंट बना लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं, पर बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती थी। तो वहां मेरा नहीं हुआ तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ था मैं, बट फाइनली जो है एनपीसीआई में मेरा हुआ और काफी लोगों ने। चलो बहुत अच्छा है राहुल, आपको ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल ऐसा बोलते हैं, और जर्नी है जस्ट स्टार्टेड, एंड अगर आप लर्न करते जाएंगे तो देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ, और आपके मेंटर्स ने बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड भी किया है कि लाइफ में परफेक्शन की तरफ जाओ, देयर इज वेरी गुड, आई मीन ऑथेंटिसिटी परफेक्ट, और साइंटिस्ट के ट्रेड्स हैं ये। एक साइंटिस्ट और जो टेक्नोक्रेट होता है ना वो तब तक मुंह नहीं खोलता जब तक वो कॉन्फिडेंट नहीं है, और ऑथेंटिक बात के लिए मुंह खोलता है, दैट इज बिल्कुल सही बात है, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है राहुल, एंड वी विश एंड वी होप कि अभी आप फैमिली के लिए एक एसेट बनेंगे, आप उनका डेब्ट रिड्यूस करेंगे, अब आप हैं आपके छोटे भाई हैं, एंड आई वेरी श्योर नाउ आपकी फैमिली में जो बर्डन था वो रिड्यूस होगा, एंड थिंग्स विल इम्प्रूव नाउ, एंड यू आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट करियर अहेड। सो आई रियली थैंक यू राहुल, आपने इतने अच्छे तरीके से सब कुछ बताया, बच्चों को बहुत बेनिफिट होगा, आपकी स्टोरी से सीखेंगे बच्चे, ऐसे ऐसे भी होता है, ऐसे ऐसे भी होता है कि भाई सब इंटरव्यू से निकाल दिया गया, फिर दोबारा इंटरव्यू हुआ, सिलेक्ट भी हुआ बच्चा, तो ये चीजें जो है ना लाइफ में मोटिवेट करती हैं एक्चुअली। सर एक्सपीरियंस से सर मैं यही बोलूंगा कि हमेशा अपने मेंटर्स को फॉलो करें, भाई के साथ रिश्ता बना के रखें, और अपना जो है क्या बोलते हैं भगवान के साथ थोड़ा सा संबंध बना के रखें, क्योंकि है ना सर थोड़ी सफलता मिलती है तो ईगो आ जाता है, फिर हम सोचते हैं कि हमारे साथ कोई नहीं है। अब सोचो सर मेरे साथ वाले जो लोग हैं, राजेश्याम तिवारी भी है, उनकी ऑलरेडी रैंक 2 आई है इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021 में, मेरे साथ के रूममेट थे, 19 में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, प्री भी नहीं निकला था, आप सोचो, और मेरा निकल गया था, अगर मैं रह गया पीछे और वो निकल गया आगे, और मेरे साथ वाले स्टूडेंट मतलब मेरे साथ के दोस्त थे नीरज शर्मा, वो चले गए एनएचआई में, अब वहां से भी थोड़ा दुख होता है ना सर, वो ह्यूमन बिहेवियर अपॉर्चुनिटी, ग्रेट अपॉर्चुनिटी, और जैसे कलाम साहब पायलट बनना चाहते थे बन गए साइंटिस्ट, और एंड तुम जानते हो कहाँ पे चीजें एंड होती हैं फिर, yes, sir, yes, तो लाइफ अपॉर्चुनिटीज देती है हर किसी को देती है राहुल। सर एक, हाँ सर एक रिक्वेस्ट भी है आपसे कि अगर आगे मुझे ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग मिलती है तो सर मेरा एक ड्रीम है जो कि मैं आपको शेयर करूंगा कि सर मैं थोड़ा सा मुझे पैसे वैसे की नहीं मतलब ऐसी अपने मतलब अपनी खुशी के लिए मैं सर जो मैंने सीखा है फ्लूइड मैकेनिक्स स्ट्रक्चर एनालिसिस बच्चों के लिए आप शेयर करना चाहते हैं। हाँ सर अगर कभी मौका मिला आपके प्लेटफॉर्म पे है ना सर तो मुझे बताइएगा। नीड गुड पीपल एंड ऑलरेडी देयर आर पीपल हु आर मेंटरिंग दैट, सो वी नीड दैट राहुल एंड दैट विल बी वंडरफुल, क्योंकि सर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को मेंटर किया हुआ है तो थोड़ा एक्सपीरियंस भी है इस चीज का, तो ये मेरी खुशी के लिए सर, बाकी अगर यस यस आई अंडरस्टैंड, बच्चों को इससे काफी फायदा होगा, विल श्योरली डू दैट। हां सर यही मेरा था, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर अहेड राहुल, एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर।